हेलो जय हिंद दोस्तों मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और साइंस के टॉप थर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज हमारी क्लास सेक्शन वाइज होने वाली है जिसके अंदर सिर्फ दो सेक्शन रहेंगे सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान के पंद्रह क्वेश्चन और सेक्शन बी में सामान्य विज्ञान के पंद्रह क्वेश्चन रहेंगे मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल तीस है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ट्वेंटी फाइव प्लस क्वेश्चन राइट करने का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे हु वाज द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस लाला हरदयाल गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक जल्दी से आंसर करिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो अगर आप सभी ने यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दिया है गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आपके सामने इसका आंसर करिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पाटलिपुत्र नगर किन नदियों के संगम पर स्थित है गंगा और सोन गंगा और अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र पाटलिपुत्र सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर क्या आंसर करोगे अगर आप सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है गंगा और सोन आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट है पाटलिपुत्र शहर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड ऑप्शन है न्यूयॉर्क पेरिस बीजिंग या फिर लंदन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आंसर मैच करिए क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने स्थाई बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए स्थाई बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कार्नवालिस लॉर्ड डलहोजी या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं लॉर्ड कार्नवालिस उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर फाइव हड़प नीति को किसने अपनाया था हु दूरपेशन पॉलिसी यूजर पेशन पॉलिसी इसको डिक्ट्रिन ऑफ लैंप्स भी बोलते हैं ये ध्यान रखिएगा हड़प नीति को डलहोजी के द्वारा अपनाया गया ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मेन कैंप ऑप्शन है मुसोलिनी लेनिन हिटलर या फिर कार्ल मार्क्स मीन कैंप पुस्तक के लेखक थे हिटलर ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है और देखिएगा मीन कैंप ना देकर आप सभी को हिंदी में मेरा संघर्ष भी दे सकता है राइट right. तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर थे सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया हाउ मैनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी इनवेड इंडिया ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा महमूद गजनवी ने भारत पर सत्रह बार आक्रमण किया था क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने है स्क्रीन पर लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है वट इज द नंबर ऑफ कोरम इन लोकसभा ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है तो एक बटा दस होती है जो भी ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है वेरी इंपॉर्टेंट दिल्ली तमिलनाडु हैदराबाद या फिर चेन्नई वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड इन इंडिया राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है यह आपका हैदराबाद में है ऑप्शन आपका यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस की तरफ हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था हु मेड हर्षवर्धन हिज सेकेंड कैपिटल पुरुषपुर कन्नौज मथुरा तंजोर देखिए हर्षवर्धन की पहली राजधानी का नाम था थानेश्वर। राइट right. उसके बाद इन्होंने दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था ऑप्शन आपका यहां पर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है वेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड 28 फरवरी उनतीस अगस्त इकतीस मई पच्चीस जनवरी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं ऑप्शन बी क्या सभी आंसर कर रहे हैं 28 फरवरी को आपको पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 12 रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच गेम हॉकी क्रिकेट तैराकी फुटबॉल जल्दी से आंसर करिए क्या आंसर करेंगे रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है ऑप्शन आपका यहां पर डी करेक्ट आंसर रहेगा रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है चलिएगा क्वेश्चन नंबर तेरह की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने बिक्री कर एक प्रकार का डैश है और देखिए आज मैंने तीस प्रश्नों के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क का ऐड नहीं किया है तो मैं सोच रहा हूं कि प्रश्नों के बीच में से ही आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए तो ये जो क्वेश्चन नंबर तेरह है ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है थोड़ा सा मीडियम लेवल है इसीलिए मैं आपको होमवर्क का दे रहा हूँ इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे बिक्री कर एक प्रकार का डैश है प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं क्लियर है चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए जी क्वेश्चन नंबर चौदह जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है तब क्या होता है वट हैपन्स वेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन चंद्र ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण दोनों या इनमें से कोई नहीं तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है तब सूर्य ग्रहण होता है ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाए तब आपका चंद्र ग्रहण होता है क्वेश्चन नंबर पंद्रह है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति राज्यपाल प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया जल्दी से आंसर करिएगा क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है राष्ट्रपति आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेक्शन ए कम्प्लीट होता है बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ सामान्य विज्ञान 16 से 30 पूरे 15 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है एम्पियर क्या मापने की इकाई है वट इज़ द मेजर यूनिट ऑफ एम्पियर वोल्टेज करंट प्रतिरोध पावर एम्पियर एम्पियर से हम विद्युत धारा मापते हैं क्या मापते हैं जी विद्युत धारा यानी कि करंट मापा जाता है ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है प्रतिरोध को किससे मापते हैं प्रतिरोध को ओम मीटर से मापा जाता है यह भी पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सत्रह लीजिए इसका आंसर करिए बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है घट जाता है अपरिवर्तित रहता है पहले घटता है फिर बढ़ता है ये क्वेश्चन कल भी करवाया है अपने मॉडल पेपर में हमने कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा जी क्वेश्चन नंबर 18 है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं वट आर द मेन कलर इन फोटोग्राफी ऑप्शन सामने सारे अवेलेबल हैं आंसर जल्दी से जल्दी करिएगा फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है लाल नीला और हरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है उन्नीस नंबर प्रश्न रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण बीटा किरण गामा किरण उपरोक्त सभी आंसर करो जल्दी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त सभी आंसर मैच करते जाइएगा लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए क्वेश्चन नंबर बीस है वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं कल की क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है हु बहू आंसर सभी को करना है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर अमीटर टेकोमीटर टैकोमीटर पायरोमीटर एनिमोमीटर वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी राइट आंसर है भाई। पायरोमीटर आपको पता होना चाहिए उच्च रक्त उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप पर किसकी परत होती है सिलिकॉन, निकल आयरन कॉपर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा सिलिकॉन की परत होती है आईसी चिप पर क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं आंसर क्वेश्चन नंबर बाईस आपके सामने हैं निम्नलिखित में से किस धातु में किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है ग्रेफाइट आयोडीन उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं जल्दी से आंसर करिएगा और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया गया है आपके द्वारा तो लाइक ज़रूर करिएगा आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ही धातु चमक पाई जाती है क्वेश्चन नंबर तेईस आपके सामने है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन एडवर्ड टेलर अल्बर्ट आइंस्टीन थॉमस एडिसन हॉर्न और हमारी क्लास डेली सुबह दस बजे होती है यह पता होना चाहिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी चले आगे क्वेश्चन नंबर चौबीस देखिएगा आपके सामने है सभी अमल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं विच गैसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द एसिड मेटल्स हाइड्रोजन नियॉन ऑर्गन ऑक्सीजन तो कौन सी गैस निकालते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने हाइड्रोफोबिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ, कवक द डिसीज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया इज कॉस्ड बाय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी विषाणु के द्वारा होती है ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था फर्स्ट यूज द वर्ड जीन वॉल्टेयर जोहानसन वाटसन मैकडोनाल्ड सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्क्रीन पर रेशम पालन क्या कहलाता है ऑप्शन एपीकल्चर कल्चर हॉर्टिकल्चर या फिर सेरीकल्चर वट इज कॉल्ड सेरिकल्चर इंग्लिश में रेशम पालन को सेरिकल्चर ही बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा सेरिकल्चर एपीकल्चर आप सभी को पता है ना मधुमक्खी पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन को और हॉर्टिकल्चर आपको पता है सब्जियों से रिलेटेड है ट्वेंटी एट नंबर प्रश्न है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन अ फ्रॉक्स हर्ट मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ऑप्शन क्या सभी ने बी आंसर दिया है मेंढक के हृदय में तीन कक्ष होते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आज का सेकंड लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट लार किसके पाचन में सहायक होती है सलीवा इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च फाइबर वसा विटामिन लार किसके पाचन में सहायक होती है जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन ए को आंसर दिया है स्टार्च उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी है आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है घट जाता है अपरिवर्तित रहता है या ऊपर नीचे होता है ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल्ड रनिंग आंसर कर दीजिए जल्दी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो दोस्तों ये था आपका आज का सेक्शन वाइज जीके और साइंस का टेस्ट पेपर बताइएगा आज के इन तीस क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और आपको आज की क्लास कैसी लगी हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत